सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के पेपर के बारे में, जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था 18 जून को, और हम कह सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था। सो हम इसमें कंप्यूटर का पार्ट था जो सेकंड पेपर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक तरीके से मैं यहाँ पे आंसर की आपके बताऊँगा, आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा, डिस्कस तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पूरा डिस्कस करूँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो हम यहाँ पर एक तरीके से आंसर की यहाँ पर देखेंगे, जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊँगा और उनका करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। जो भी आंसर होंगे, जो एक तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि एकदम करेक्ट है 100%, बट ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं बताऊँगा वो सारे करेक्ट हैं। अब यहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं बता पाऊँगा, बट मैं मोस्टली 70-80 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तो मेरे से भी नहीं सॉल्व होंगे, तो जितना मेरे से हुआ है वो मैं यहाँ पे आंसर की आपको लेके आ रहा हूँ। तो आपका जो पेपर है उसका कोड हो सकता है अलग होगा, तो मेरे पास जो पेपर आया है उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ के दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा, उसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, तो इस हिसाब से आप आपका क्वेश्चन आंसर है उनको आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं वो ही मैं यहाँ पे लूंगा, इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस थे तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को मैं पढ़ते हुए चलूंगा, और आपको जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलूंगा आपको अपना जो आंसर है, सॉरी जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो आपको मैच कर लेना है क्वेश्चन के द्वारा, क्योंकि जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है तो हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में कोई और सीक्वेंस और कोई सीरियल नंबर से हो, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर, इनमें से कौन सा है जो लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 70-80 क्वेश्चंस हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। सो लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है, और लेजर प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी है जिसका यूज किया जाता है प्रोसेस की स्पीड है उसके मिसमैच को मिनिमाइज करने के लिए, कैश मेमोरी का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा है जो वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आउटलाइन मास्टर, इसका डी आंसर है जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखो इसी तरीके से जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे तभी यहाँ पे मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज ट्रांसफर इज, ये सभी को पता होगा HTTP होता है, इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा RAR, और यहाँ पे जो बाकी के हैं जो ये हैं ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है, तो RAR है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है जो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने छोड़ दिए क्योंकि थोड़े ज़्यादा बड़े थे, उनको सॉल्व करने में हो सकता है टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उनको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की है वो प्रोवाइड करना चाहता था। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको मैं बाद में सॉल्व करके उनका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की इज नॉन एज, मिनिमल सुपर की इज नॉन एज, ये हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी की, ये हो जाएगा प्राइमरी की, 19 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी की। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, चेकसम इज यूज्ड फॉर, चेकसम है जो आपको पता है एरर डिटेक्शन के लिए काम में आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
What is the result after execution of the code following code if A is equal 10, B equal 5 and C equal 10? तो ये आपको क्या बोल रहा है, अगर A आपके पास है 10, B आपके पास है 5 और C आपके पास है 10, तो आपको ये कोड एग्जीक्यूट करना है। तो ये कंडीशन है जो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि A है जो B से बड़ा है, मतलब कि ट्रू, और एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, और ए है जो लेस देन और इक्वल है सी है, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड है इफ़ वाला वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ए में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 थी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और सी की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एमएस पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग यूजिंग डैश की फ्रॉम करंट स्लाइड यूजिंग डैश की। ये आपको बोल रहा है कि जो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम स्लाइड शो को, एक तो होता है बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड शो को स्टार्टिंग से, और एक होता है करंट स्लाइड से, जहाँ पे जिस स्लाइड में हम हैं वहाँ से आगे स्लाइड शो को स्टार्ट करेगा। तो ये आपको शॉर्टकट की बतानी है बेसिकली। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, F5 है उसको आप प्रेस करेंगे तो जो स्लाइड शो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से। और अगर हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो जो करंट स्लाइड पे अभी हम हैं वहाँ से आगे स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। आगे चलते हैं 24 है, इन एमएस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू, जो गटर वर्ड है ये किससे रिलेटेड है एमएस वर्ड में, वो आपको बताना था। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये मार्जिन से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो गटर वर्ड है मार्जिन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंस सेरिफ फॉन्ट, आपको बताना है सेंस सेरिफ फॉन्ट कौन सा है इनमें से। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एरियल है जो एक सेंस सेरिफ फॉन्ट का एग्जांपल है। देखो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हैं, कम से कम 8-10-12 क्वेश्चंस हैं जो तो इंटरनेट से लिए गए हैं डायरेक्ट, अगर आप उनको सर्च करोगे तो वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा इंटरनेट से लिए गए हैं, बट आप उनको डायरेक्टली सर्च करेंगे तो वो एज इट इज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इंटरनेट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो एरियल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जावा, जावा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है वो आपको बताना है। और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, कॉन्स्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट जिनको चेंज नहीं कर सकते वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, उनको फाइनल कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में। और ऑप्शन नंबर बी है, ए क्लास कैन ओनली इनहेरिट वन क्लास दैट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि एक क्लास जो एक क्लास को खाली इनहेरिट कर सकती है और वो मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो ये सही है क्योंकि हमें पता है कि जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है, मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो सकता है बट मल्टीपल इनहेरिटेंस को, एक से ज़्यादा क्लास को एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकती, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, बट इसको हम इंटरफेस का यूज करके इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, वो ये बोलना चाह रहा है। तो बी है जो करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी इज ट्रू। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस एक्सेल फाइंड ऑड वन आउट, जो ऑड है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट है जो यहाँ पे ऑड हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट्रेट है इसका आंसर हो जाएगा। जो विषम आंसर है इनमें से, चार ऑप्शन है इनमें से कोई एक विषम है वो आपको सेलेक्ट करना है एम एस एक्सेल के रिगार्डिंग, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज कॉल्ड, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करने के काम में आता है तो वो हो जाएगा स्पूलर, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया गया है, पॉइंटर PR डाटा नाम से, इज ए पॉइंटर टू ए डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप है उसका पॉइंटर है, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, आपको बताना है कि जो ये PTR डेटा नाम का जो पॉइंटर है प्लस प्लस ये किसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से एक इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ये PTR डेटा प्लस प्लस, इसमें इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे हम चलते 30, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एजेंट डील्स विद हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट्स, सो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट इन SQL, आपको बताना है कि जो स्कीमा चेंज स्टेटमेंट हैं उनका एक पेयर कौन सा है वैलिड पेयर, तो इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप और अल्टर हैं जो स्कीमा को चेंज करने का एक कह सकते हैं पेयर हैं, जो वैलिड पेयर हैं ड्रॉप और अल्टर हैं, ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बताना है, और क्वेश्चन नंबर 32 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो पहला ऑप्शन है, इफ़ ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल दैट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन इन सब क्लास, सही है, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, फाइनलाइज इज ए मेथड ऑफ जावा विच इज कॉल्ड बाई गार्बेज कलेक्टर बिफोर रिमूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी, ये भी ठीक है, इफ़ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज फाइनल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड इन फाइनल मेथड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फाइनल जो कीवर्ड है वेरिएबल हम बनाते हैं उनको कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फाइनल मेथड में जाके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनको मॉडिफाई हम कर ही नहीं सकते, और इफ़ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये भी ठीक है यहाँ पे, तो तीनों सही है, तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना था, तो ये सी है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन, आपको बताना है पाइथन में कौन सा डिक्लेरेशन है जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड पी पी ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक वेरिएबल हो जाएगा पूरा, और इस तरीके से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, x, y, z, p इस तरीके से इसमें असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, आप कॉमा के साथ वेरिएबल को सेपरेट करके कॉमा के साथ वैल्यूज उनमें असाइन कर सकते हो, और यहाँ पे ये भी ठीक है, ये एक वेरिएबल हो जाएगा इसमें एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, इस तरीके ये एक वेरिएबल हुआ और इस वेरिएबल में आप अलग अलग इस तरीके से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 की ओर, ये है 38 आपको बोल रहा है कि आपको ऑक्टल वैल्यू दी गई है और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आप आसानी से करेक्ट कर ही लोगे, इसका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डबल ई, ठीक है 2356 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डबल ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है क्या बोल रहा है, एल बी एंड यू बी आर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ ए लीनियर एरे LA, एक लीनियर एरे है LA और उसमें LB और UB कह सकते हैं दो एक वेरिएबल्स हैं जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिनोट कर दें, ये बोल रहे हैं कंसीडर फॉलोइंग एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए उनको कंसीडर कीजिए, ये बोल रहा है रिपीट फॉर K इक्वल LB टू UB, अप्लाई प्रोसेस टू LAK एंड एग्जिट, ये कुछ एक तरीके से आपको बोल रहा है, एक तरीके से इसका आंसर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए ट्रेवर्स, इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी आपको दिया नहीं गया कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, इसमें सिंपल बोल रहा है कि आपको रिपीट करना है के बराबर एल बी टू यू बी, मतलब लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक आपको हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है एक तरीके से, इस पर क्या प्रोसेस अप्लाई करना है कुछ बोला नहीं है, तो मर्ज करना, सॉर्ट करना, सर्च करना, ये तो हम कह नहीं सकते, तो ट्रेवर्स करना इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेवर्स करना, मतलब एक एक एलिमेंट को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया 39 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कमांड टू ओपन
स्पैनिंग टूल मेन्यू टू मेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ ओनली ए सेक्शन ऑफ योर स्क्रीन। ये बोल रहा है बिल्कुल स्नैपिंग टूल एक ऑप्शन होता है, आपको पता होगा अगर आपने यूज किया है तो स्नैपिंग टूल। तो ये बोल रहा है इसके लिए शॉर्टकट क्या है, इसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो की प्लस शिफ्ट के साथ आप एस प्रेस करोगे तो स्नैपिंग टूल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट ही पूछा गया था तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अज्यूम दैट पी एंड क्यू आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट विल परफॉर्म। ये आपको बोल रहा है कि पी और क्यू हैं जो यहाँ पे नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको कुछ एक प्रोग्राम दिया गया है तो आपके इसको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा एक तरीके से। तो देखो यहाँ पे वाइल पी नॉट इक्वल जीरो, तो यहाँ पे जो भी कंडीशन दी गई है मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, क्योंकि ये कोड है जो इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पे चलेगा, क्योंकि पी है जो जीरो कभी नहीं होगा। कोई भी दो इंटीजर ले लो आप जैसे 10, 15, तो जो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो ये जीरो तो हो ही नहीं सकते, आप इनमें सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को तो जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, जीरो जब भी होगा जब दोनों इक्वल है तब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर हो सकते हैं, तो ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन है जो ऑलवेज ट्रू होगी। तो मेरे हिसाब से ये लूप है जो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, तो इसका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक है उनको स्कैन करने के लिए बेसिकली MICR का यूज किया जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच टेस्टिंग फोकस ऑन हैवीली टेस्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर मॉडल। एक किसी भी एक पर्टिकुलर मॉडल को हैवीली टेस्ट करते हैं, तो ये कौन सा टेस्टिंग है, ये कौन सी उसका टेस्टिंग का एग्जांपल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरिल्ला टेस्टिंग। गोरिल्ला टेस्टिंग है कि हर एक मॉड्यूल को हैवीली टेस्ट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोरिल्ला टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन एरर। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो एरर को कंटेन करता है, मतलब कि उसमें एरर है। तो देखिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर दिस, ये सही है मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ये भी ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम मतलब कि कहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन से टेबल से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फ्रॉम तो दिया ही नहीं है, मतलब टेबल का नाम ही नहीं दिया कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर। और वही आपको बताना था कि इनमें से कौन सा है जो गलत है या उसमें एरर है एक तरीके से। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू है वो आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, मतलब स्टेटमेंट नंबर ए है, देयर कैन बी ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ये सही है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक हो सकता है विदाउट कैच ब्लॉक की, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब कैच ब्लॉक नहीं हो सकता बिना ट्राई ब्लॉक की, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक। ये भी सही है, कैच ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ विच द एरर हैज अकर्ड, अदरवाइज रन टाइम एरर विल अकर। तो ये क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ विच एरर हैज अकर्ड, अदरवाइज रन टाइम एरर विल अकर। और ये गलत है एक तरीके से। एक क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर फोर्थ देखते हैं एक बार, टू एग्जीक्यूट ए कोड विच विद ईच एंड एवरी रन ऑफ प्रोग्राम द कोड इज रिटर्न इन फाइनली ब्लॉक। तो ये सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 4। 3 पे यहाँ पे डाउट है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास
ऑफ विच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। तो बाकी के तीनों सही हैं, तो 1, 2 and 4 करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, डायरेक्ट इसको आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। इसका यहाँ पे एयर क्रैक एनजी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 का ए। ये टेक्निक है जो वाईफाई हैकिंग में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, टू मेंटेन मेटेरियलाइज्ड व्यू इन आरडीबीएमएस वी यूज, इसका आंसर हो जाएगा क्लोन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ये सारे हैं तीनों, तो क्यूबेस है जो इसका एग्जाम्पल नहीं है नो एसक्यूएल डेटाबेस का, तो इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ 3 थ्रेड्स आर ट्राइंग टू शेयर ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम विच कंडीशन विल राइज इन दिस सिनेरियो। ये आपको बोल रहा है कि तीन थ्रेड्स हैं जो एक साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको एक साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे कंडीशन होगी, तो ये रेस कंडीशन हो जाएगी। जब भी किसी एक रिसोर्स को ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं वो एक साथ एक्सेस करते हैं, तो रेस कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 51 का सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, आपको बोल रहा है कि कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्यू हो जाएगा, व्यू बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसका सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन ये ऐसा है कि जो प्रोसेसर है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके कितनी स्टेट्स हो सकती हैं वो यहाँ पे बोलना चाह रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। मिनिमम 5 स्टेट्स एक प्रोसेसर की हो सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ XML, आपको बताना है कि XML का मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 54 है, पहला ऑप्शन है XML मस्ट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। XML परफॉर्म द कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ई बिजनेस एप्लीकेशंस, तो ये इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड फिल इन द ब्लैक्स, क्रिएट ए डैश टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये इसका बुकमार्क हो जाएगा। बुकमार्क का यूज किया जाता है कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में, क्रिएट ए बुकमार्क टू असाइन ए नेम स्पेसिफिक पॉइंट, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट का नेम असाइन करने के लिए बुकमार्क का बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच है 2 raised to power एन इनपुट लाइन एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट लाइन्स होंगी और सिंगल आउटपुट लाइन होगा, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रीफिक्स आपको कन्वर्ट करना आता होगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रीफिक्स आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लेना है, जैसे ए प्लस और ये हो जाएगा प्लस, पहले आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई, इसमें ये पहले आ जाएगा डी ई माइनस एफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इनमें से कौन सा है, ये सॉल्व हो चुका है, अब इसमें मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी पहले ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, ए प्लस मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी सी और डी ई माइनस एफ, ये एज इट इज रहेगा। अब क्या बचा, अब यहाँ पे प्लस बचा और माइनस बचा, तो पहले प्लस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो प्लस है जो पहले आ जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई ये पूरा आ जाएगा और माइनस एफ, अब लास्ट बचा माइनस, तो माइनस पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी एंड ऑल, तो इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 57 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 58
क्वेश्चन नंबर 58 है, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा अगर इसको आप सर्च करोगे, ओल्डेस्ट फोन को हैक करने की ओल्डेस्ट टेक्निक क्या है जो फ्री कॉल्स करने के लिए हैक किया जाता था। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रैकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल। इसका एलसीएम निकालना है, एक्सेल का फॉर्मूला है एलसीएम, अगर आप एक्सेल में एलसीएम टाइप करोगे तो फॉर्मूला है इसका 35 आंसर आ जाएगा 59 का। ये मैं जल्दी जल्दी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं डायरेक्टली। अब 61 क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना वो इसीलिए छोड़े हैं कि बड़े हैं वो, मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं आंसर की यहाँ पे अपलोड करूँ, मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, इसीलिए जो बड़े क्वेश्चंस थे ना वो मैंने पढ़े ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन हैं उनके तो आंसर आपको बता दूंगा मैं, और बचे जो 15-20 क्वेश्चन हैं उनमें के 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने पढ़े भी नहीं है, बाकी 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं आते होंगे या मैंने ज़्यादा दिमाग उनमें नहीं लगाया है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचे कि जो नहीं बताया वो मेरे को नहीं आता है, बट वो बड़े क्वेश्चन है, जैसे ये देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है तो मैं इसको छोड़ दिया है। तो 61 को यहाँ पे डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। आपको बोल रहा है कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन दिया गया है, तो आपको बताना है कि ओवरफ्लो होने के लिए टॉप की जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कि मैक्सिमम टॉप है जो कितना जा सकता है कि ओवरफ्लो ना हो। तो आपको पता है कि ओवरफ्लो ना हो तो टॉप की वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, साइज -1 तक जा सकता है, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज -1, अगर स्टैक की साइज यहाँ पे दी गई है आपको 11 है तो टॉप की वैल्यू है जो 10 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा जाओगे तो आप ओवरफ्लो हो जाएगा स्टैक, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से 10 तक यहाँ पे चलेगी, तो 11 आप जाओगे तो ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, साइज -1, टॉप की जो मैक्सिमम वैल्यू है साइज -1 तक हो सकती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 63, इन SQL डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन, सिंपल है, एवरेज है जो एक एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 को यहाँ पे देखेंगे, विच वन इज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का कौन सा यहाँ पे जो फैक्टर है वो दिया गया है, तो ये भी आपको गूगल करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस इसका आंसर दिया हुआ है LOC, तो 65 का ए आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, 65 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। 66 को देखते हैं, नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा अगर आप इसको सर्च करोगे तो। नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स हैं जो पैकेट फिल्टर्स करने काम में आती है, बेसिकली पैकेट फिल्टर की तरह काम करती हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 66 का, ये गूगल करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा कोको मॉडल। इनमें आपको बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है, बाकी के 3 है, लीनियर सिक्वेंशियल स्पायरल और प्रोटोटाइप मॉडल है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, कोकोमो मॉडल है जो ये इसका एग्जांपल नहीं है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 67 का डी। 68 है, चूज द स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है 68, तो इसका यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। स्टेटमेंट नंबर 1 है, बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च, सिंपल सी बात है, बाइनरी सर्च है जो फास्ट है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में, एंड बाइनरी सर्च मे नॉट अप्लाई टू ऑल द इनपुट्स लीड्स, ये भी सही है, सारे इनपुट्स पे काम नहीं करेगा क्योंकि बाइनरी सर्च में उसी पे काम करता है जो एरे यहाँ पे सॉर्टेड है, या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई सा भी एरे दे दोगे उस पे काम करेगा, सब पे काम नहीं करेगा, तो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 68 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 69, हैक्टिविज्म इज, ये भी आपको गूगल करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, 69 है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हैक्टिविज्म इज एक्ट ऑफ हैकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर पॉलिटिकली और सोशियली मोटिवेटेड पर्पज, जब आप पॉलिटिकल पर्पज से किसी सिस्टम को हैक करते हो तो दैट इज कॉल्ड हैक्टिविज्म। 69 का डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इन सी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रियल डेटा टाइप, आपको बताना है रियल डेटा टाइप के लिए कौन सा डेटा टाइप काम में लिया जाता है, रियल मतलब कि फ्रैक्शनल जो डेसिमल वैल्यूज है उनके लिए, तो इसका 70 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोट और लॉन्ग डबल, फ्लोट होता है और लॉन्ग डबल है, दोनों ही सी में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, ए ब्लॉक होल इन DFD इज, DFD में ब्लॉक होल क्या होता है, तो इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक ऐसा
डेटा स्टोर जिसमें कोई बाह्य प्रवाह नहीं हो, मतलब कि इनपुट तो है बट उसके लिए कोई बाह्य प्रवाह नहीं है, तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, ए डेटा स्टोर विद नो इन बाउंड फ्लोज, ठीक है, तो इसका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है। इसका आउटपुट यहाँ पे सी है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे। तो प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को एक तरीके से आप पीछे से सॉल्व करते हैं, तो इसको आप पीछे से सॉल्व करोगे तो स्टैक का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, इस तरीके से स्टैक का यूज करके एक एक वैल्यूज है जो हम इसमें स्टैक में इंसर्ट करते जाएंगे, और जो भी ऑपरेटर आता है तो हम स्टैक से दो वैल्यू को निकालेंगे, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से होता है, अब पूरा मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा। देखिए सबसे पहले 1 को इंसर्ट करेंगे, फिर 4 को इंसर्ट करेंगे, फिर 8 को इंसर्ट करेंगे, इसके बाद आया डिवाइड, डिवाइड आया तो दो वैल्यू को निकालेंगे और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो आउटपुट आएगा उसको वापस से स्टैक में डालेंगे। बाद में क्या आएगा, 2 के बाद यहाँ पे आ गया फिर से 2, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई आया, दो वैल्यूज को निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा तो 6 को स्टैक में डाल देंगे यहाँ पे। फिर क्या आया यहाँ पे, माइनस आएगा तो माइनस आया, फिर से ऑपरेटर है, दो वैल्यू निकालेंगे 6 और 2, इस पे माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, 4 आएगा, 4 को स्टैक में डालेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस आएगा, लास्ट में प्लस आएगा तो 4 एंड 1 पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझने का टाइम नहीं है आपको, मैं आंसर बता रहा हूँ। 73 का 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, एंड क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि इनमें से बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है, तो इसमें से कौन सा अगर नोड को डिलीट कर देते हैं तो कौन सा रूट नोड बन सकता है। तो अगर इसमें बोल रहा है अगर 50 को डिलीट कर दिया है तो कौन सा रूट नोड हो सकता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 48 या 59 हो सकता है, 30 नहीं होगा, 30 या 63 नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ट्री में क्या है, इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं जो क्या है लेस देन होंगी रूट नोड से, और इधर हैं जो ग्रेटर देन होंगी रूट नोड से। तो अगर मान लीजिए 30 आप लोगे तो 30 लोगे तो इधर सारी वैल्यू जो लेस देन होनी चाहिए, बट यहाँ पे आप देखोगे 25 ये हैं, ये सारी लेस देन है, बट 36 और 48 है तो ग्रेटर देन है, तो 30 तो रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट नोड के लेफ्ट में सारी वैल्यूज हैं जो 30 से कम होनी चाहिए और राइट में है जो 30 से बड़ी होनी चाहिए, तो 30 नहीं होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, तो 48 और 59 इसका हो सकता है, क्योंकि अगर 48 रखोगे तो देखोगे 48 से इधर लेफ्ट में जो सारी 48 से कम है और राइट में जो 48 से ज़्यादा है, इसी तरीके से आप 59 लोगे तो भी ये सही रहेगा। तो इसका इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एक एक वैल्यू को आप चेक कर सकते हो रख के यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 74 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, एमएस वर्ड में डेकोरेटिव टेक्स्ट यहाँ पे होता है, वर्ड आर्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 का। 76, ए रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट प्राइमरी की एंड विच हैज नो ट्रांजेक्टिव डिपेंडेंसी, नहीं है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी है, BCNF हो जाएगा, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो 76 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 की ओर डायरेक्ट, 78 है, ये क्या बोल रहा है, दिस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज रेगुलर फंक्शनलिटी इन ऑपरेशन, इसका यहाँ पे रूट किट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये भी गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर इसको आप डायरेक्ट सर्च करोगे। तो बोल रहा है कि कौन सा एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेगुलर फंक्शनलिटीज़ को मॉनिटर करता है, और ये इसका रूट किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 है, जो ये बोल रहा है कि आपको अगर ये जो ये एरे दिया गया है इस पर बबल सॉर्ट अप्लाई करोगे तो पहला पास है, एक पास में इसकी वैल्यू कौन सी होगी। तो आपको बबल सॉर्ट तो आपको आता होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 51, 27, 85, 60, 23, 30 और 57। देखो बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, जो भी अगर वो ऑर्डर में हैं तो सही है, अदरवाइज इनको स्वैप कर देंगे। तो जैसे 32 से बड़ा है 51, तो ये ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इनको चेक करेंगे, ये ऑर्डर में नहीं है तो इनको स्वैप कर देंगे, 32, 27 पहले आ जाएगा, 51 आ जाएगा, फिर ऐसे सब पे अप्लाई करते चलेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 79 में, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 हो चुका है, 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे में आप टर्बो सी, आप यहाँ पे डेव सी, आप कोई भी एक्स्ट्रा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं वो इंस्टॉल करते हो, तो वो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाहर से हम इंस्टॉल करते हैं हमारी नीड के हिसाब से। से आपको C++ के लिए कोई भी ट्रांसलेटर या कंपाइलर आपको करना है तो वो बाहर से हम इंस्टॉल करते हैं, तो दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 80 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंफॉर्मेशन दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन इंक्रिप्शन इज, इसका हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। इसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो भी इंक्रिप्शन जो टेक्स्ट है जो इंक्रिप्शन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। ये भी अगर आप गूगल पे करोगे तो आपको मिल जाएगा। 81 का है जो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एन इंट फाइल इन विंडोज 95 इज ए टेक्स्ट फाइल। ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा अगर आप गूगल करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तो गूगल से डायरेक्ट लिए गए हैं, मैं तो यही कहूँगा लिए गए हैं, क्योंकि सारे गूगल पे मिल रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम गूगल पे मिल रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच फेज इज नॉट इंक्लूड इन वायरस लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट है जो वायरस लाइफ साइकिल की फेज नहीं माना जाएगा, डोरमेंट, ट्रिगर, एग्जीक्यूशन सारी है, स्टार्ट है जो इसका लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। तो 83 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 84 है जो बताना है कि आपको नॉट ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो एनिक, यूनिवेक, IBM, ये सारे एग्जाम्पल हैं। PDP है जो इसका एग्जाम्पल नहीं है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। तो 84 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 88, डायरेक्ट 88 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक काउंटिंग सेमाफोर वाज इनिशियलाइज टू 8, इनिशियलाइज किया गया 8 से, और देन 12P ऑपरेशन परफॉर्म किए गए और 7V ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। तो ऐसे समझ सकते हो, P ऑपरेशन परफॉर्म करते हो मतलब कि 1 से माइनस करना है, डिक्रीज करना है, और V ऑपरेशन मतलब कि 1 से प्लस करना है, सेमाफोर में यही होता है। तो 8 उसकी इनिशियल वैल्यू थी, आपको 12P मतलब 12P ऑपरेशन परफॉर्म करना है मतलब कि 12 बार माइनस करेंगे तो 8 माइनस 12 क्या आ जाएगा, -4, फिर 7V, V का मतलब होता है प्लस, तो 7V ऑपरेटर परफॉर्म करोगे तो लास्ट में 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 88 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 है, इसका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो भी पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक्स हैं, सारी पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक्स हैं, ये भी आप गूगल करोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंपैरिजन में रेस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो आपको बता रहा है इनकरेक्ट है। तो 90 का यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। देखिए, सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू नॉट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, में ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट पैरामीटर, जो जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका ये भी ठीक है, मतलब ये गलत बात है। तो इसका यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 है जो इनकरेक्ट है, ओनली 3rd है वो सही है, समटाइम वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, उसका बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है जो क्या है, इन SQL कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई इज एग्जीक्यूटेड ऑन रिलेशन एम्प्लॉई एंड हैविंग एन टपल। ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉइज टेबल है उसमें एन टपल्स हैं, एन रोज हैं, तो आप डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा। देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, अगर हम वेयर करके कोई स्पेसिफिक कंडीशन देते तो उसी रो को डिलीट करता, बट हम सिंपल लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज तो ये क्या करेगा, सारे टपल्स को डिलीट कर देगा। ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑल एन टपल्स, सारे टपल्स को डिलीट कर देगा। 91 है, उसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी इज मोस्ट सुटेबल रीअरेंज इन स्लाइड MS पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर मैंने आपको बताया था, मेरे जब मैंने पढ़ाया था तो MCQ मैंने बताया था, स्लाइड सॉर्टर व्यू है जिसे सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं, तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। 92 है, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एंड 93 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। दोनों सही हैं, तो इसका यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जावा में आप स्ट्रिंग डायरेक्ट यहाँ पे डेटा टाइप है इस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप
ऑब्जेक्ट का यूज करके, न्यू कीवर्ड का यूज करके इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो। दोनों ही सही तरीके हैं, बोथ ए एंड डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। और 94 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन डिसीजन टेबल लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 94 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्शन स्टब। और ये भी आप गूगल करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलेंगे डायरेक्ट। 97 क्वेश्चन नंबर 97 है, ए टाइनी बूट स्लैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड। ए टाइनी बूट स्लैप लोडर प्रोग्राम है जो रोम में होगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से रोम में होता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 97 का, एंड 97 का बी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर 99, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। ये टेराबाइट हो जाएगा, सबको पता है गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। 99 का सी हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज टू मूव मैसेज। अरे मैसेज में ईमेल आपको ट्रांसफर करना है तो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबको पता है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ऑलमोस्ट 75 के। इनमें से बचे यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं है, और 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है मेरे को नहीं आते होंगे, क्योंकि कुछ तो मेरे को नहीं आते नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं वो तो मैथ के हैं, वो तो मैथ रीजनिंग के हैं, तो वो तो मैंने लिए ही नहीं है। देखिए जो स्टार्टिंग के जो 5-10 क्वेश्चन हैं ये तो मैथ रीजनिंग या कह सकते हैं उसके हैं, आपका जो कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है उसके हैं, कंप्यूटर साइंस के नहीं है, तो मैंने इसलिए इनको पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, और मेरे को आते भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पे 75 क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर साइंस के उनका आंसर बता दिया। इनमें से 8-10 क्वेश्चन तो ये छोड़ दिए जो अदर सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, और 5-10 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़े ही नहीं है। तो कह सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सबका आंसर बता दिया है 10-15 क्वेश्चन को छोड़ के। तो उनको मैं अभी टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, और फिर उनके हिसाब से मैं आपको आंसर है तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल मेरा मोटिव था कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर की लेके आऊँ, और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनके आंसर तो बता दूँ जो मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप को आपके जो आंसर किए उनको मैच करने में इन क्वेश्चंस से काफ़ी सहायता मिलेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं जो 100% करेक्ट नहीं है, बट 99% है जो ये यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपका पेपर कैसा हुआ। मेरे हिसाब से जो पेपर है जो हार्ड ही कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है, मीडियम टू हार्ड है, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, हार्ड